Today, we will start exercise 16B of chapter 16, Understanding Shapes. Good evening, sir. Good evening, beta. From Salina Concise for class 8, from question number 5. A five number mein, is it possible to have a regular polygon whose each exterior angle is 80? Each exterior angle. Kitna given hai hame? 80 given hai na? So number of sides. Yes, Parush. Number of sides kiske equal aayengi? Sir, number of sides 360 upon 80. 360 upon each exterior angle. Interior. Yes, sir. एक्सटीरियर बेटा नॉट इंटीरियर यस सर 4 की टेबल पे 2 यहां पे 9 9 बाय 2 आ गया यस सर 5 नंबर ऑफ साइड्स डेसिमल में हो सकती हैं सिंस n कांट बी इन फ्रैक्शन ये लाइन लिखनी है जो नंबर ऑफ साइड्स हैं 1 2 3 नेचुरल नंबर होंगे ना यस n कांट बी इन फ्रैक्शन देयरफॉर नो सच पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल सच पॉलीगन इज Not possible. ये था first part बेटा. अभी second part बेटा इसका. Each exterior angle कितना दिया है? 40% of a right angle दिया है. 40% of right angle. Right angle मतलब 90. 40 upon 100. Percent हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा. जीरो से जीरो जीरो से जीरो नाइन फोर 36 आ गया यस फतेह नंबर ऑफ साइड सर थ्री सिक्सटी अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल और ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आया 36 आया 36 10 तो नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई 10 आ गई यस यस अब सच पॉलीगन इज पॉसिबल ऐसे लिखना है Such polygon is possible. Now, हम आ गए हैं बेटा sixth question पे. Find the number of sides in a regular polygon if its interior angle is equal to exterior. Interior angle and exterior angle are equal. Aradhya, कैसे करेंगे? Regular polygon की number of sides find करनी है. Each exterior and interior angle are equal. बता सकते हो आराध्या? Sir, 360 by exterior angle. Exterior angle है ही नहीं हमारे पास. उन्होंने question में क्या लिखा है? 360 by n. No बेटा. Find the number of sides in a regular polygon if its interior angle is equal to its exterior angle. Interior angle और exterior angle equal है. तो क्या करेंगे लेट सर एक्स मान के इक्वल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्स एक्स ले लिया हमने ईच इंटीरियर एंगल भी एक्स ईच एक्सटीरियर एंगल भी एक्स अब एक फॉर्मूला था आराध्या इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल था व्हाट सर इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है बोलो बेटा 360 बेटा के 180 180 हाँ ये देखो इंटीरियर हो गया ये एक्सटीरियर हो गया दोनों का सम 180 होगा ना लीनियर पेयर कितने इंटीरियर एंगल भी एक्स है एक्सटीरियर एंगल भी एक्स है 180 2x किसके इक्वल 180 के x की वैल्यू क्या आ गई 90 आ गई तो देयरफॉर इंटीरियर एंगल तो चाहिए नहीं हमें एक्सटीरियर चाहिए ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 90 आ गया तो नंबर ऑफ साइड्स क्या आ जाएंगे n माइनस 2 इनटू 180 नंबर ऑफ साइड्स सर 360 बाय एक्सटीरियर एंगल फिर तू कहां पे पहुंच जाती है 90 थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे साइड्स सिंपल है बेटा जब भी नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है तो एक्सटीरियर एंगल होना चाहिए हमारे पास ये हमारा सिक्स सम हो गया
समझ आ गया बेटा सबको? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, ये प्रगति सर, आप मुझे फिफ्थ वाला क्वेश्चन फिर से समझा दोगे? फिफ्थ वाले में बेटा हमें ना उन्होंने ये बोला है कि सच पॉलीगन इज पॉसिबल और नॉट, कि ये पॉलीगन पॉसिबल है कि नहीं है, ये चीज पूछी है उन्होंने। उन्होंने एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 80, नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, डिवाइड किया 9/2, 4.5। अब नंबर ऑफ साइड्स 4.5 हो सकती हैं? नो सर, एन कांट बी इन फ्रैक्शन, देयरफॉर नो सच पॉलीगन। अब सेकंड पार्ट में क्या दिया है कि ईच एक्सटीरियर एंगल उन्होंने लिखा है 40% ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब 90, 40% परसेंट हटाया नीचे 100 into 90, जीरोस कट गई 36 आ गया, ईच एक्सटीरियर एंगल आ गया 36, और नंबर ऑफ साइड्स 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल इज 36, 10 आ गया, तो यस सच पॉलीगन इज पॉसिबल। यस सर। नाउ सिक्स सम समझ आ गया बेटा? यस सर। ये 180 है बच्चे। नाउ सेवन सम, we will reach on question number 7. The exterior angle of a regular polygon is 1/3 of its interior. ये मान लो इंटीरियर एंगल है, ये मान लो एक्सटीरियर एंगल है। उन्होंने क्या लिखा है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1/3 ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, लेट इंटीरियर एंगल बी एक्स। तो पौरुष, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? 1/3 ऑफ एक्स, दैट इज एक्स अपॉन 3 हो जाएगा। ओके, यस सर। समझ आया बेटा? यस सर। यस। नाउ उन्होंने नंबर ऑफ साइड्स बोली है ना फाइंड करने के लिए। यस पौरुष, अब क्या करें? एक्स प्लस एक्स अपॉन 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये फॉर्मूला है। इंटीरियर एंगल एक्स है, एक्सटीरियर एंगल एक्स अपॉन 3 है, इज इक्वल टू 180। 3 यहाँ पे एलसीएम आ गया, 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास? 4x अपॉन 3 इज इक्वल टू 180, एंड एक्स वी गेट 180 into 3 upon 4. यहाँ 4 से 4 कट कर दो, 4 हुआ 16, 25. X की वैल्यू क्या आ गई? 5 3 are 15, 1 12 1 13. ये X क्या था? इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा? 1 upon 3 into 135. मैं नहीं यार, मैं तो ऐसे करूँगा, ठीक है? So 45. वो भी ठीक है बेटा, चाहे 1/3 ऑफ 135 करेंगे तो भी 45 आएगा, चाहे वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। अब नंबर ऑफ साइड्स, यस पौरुष, 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल इज 45, कितने में जाएगा? 8 पे। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या आ गई? 8 आ गई। ये हमारे पास सेवन सम का आंसर आ गया। नाउ द एट सम, अन्वेषा। यस सर। द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 5 टाइम्स द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल किसके इक्वल है? 5 टाइम्स द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल के इक्वल है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर, नंबर ऑफ साइड्स। अब इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल का 5 टाइम है ना, सर 5x कर लेंगे। लेट किसको लेट करेंगे? एक्सटीरियर एंगल को लेट करेंगे अभी। यस सर। ईच एक्सटीरियर एंगल बी x, x देन ईच इंटीरियर एंगल बी 5x, 5x दोनों का सम 180। 4x किसके इक्वल आ गया? 180 के। और x की वैल्यू क्या आ गई? प्रेस करेंगे यहां पे 6x आएगा। ओहो, ये था कि चल जाएगा, पर देख रही है अन्वेषा। तो x की वैल्यू 30 आ गई। यहाँ दोनों में फिल कर दो। सबसे पहले उन्होंने पूछा है ईच इंटीरियर एंगल,
देयरफॉर ईच इंटीरियर एंगल कितना आ गया बेटा हमारे पास 5x है ना, 5 into 30 इंटीरियर एंगल बेटा, सॉरी सर 150 आ जाएगा। ईच एक्सटीरियर कितना आ गया सर, एक्सटीरियर 30 आ गया, x is equal to 30। और नंबर ऑफ साइड्स पूछी है उन्होंने, थर्ड क्या पूछा है, नंबर ऑफ साइड्स पूछी है, नंबर ऑफ साइड्स 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल 360, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है 30 है, 12 आ जाएगा आंसर, इज साइड्स। समझ आ गया बेटा सबको? यस सर। नाउ We will reach on question number 9 question पे पहुंच के बेटा। The ratio between the interior angle and the exterior angle of a regular polygon is 2:1. Ratio between interior angle and exterior angle is 2:1. इस angle interior angle को 2x ले लेंगे, exterior को x. Let क्योंकि उन्होंने देखो interior एंगल रेशो एक्सटीरियर एंगल गिवन है कितना 2:1, तो लिखेंगे कैसे, लेट ईच इंटीरियर एंगल बी 2x देन ईच एक्सटीरियर एंगल बी 1x और x या 1x एक ही बात है। यस सर। यस फतेह क्या करें सर, 2x plus 1 is equals to 180. Interior angle plus exterior angle is equal to 180. ये formula भी लिखना जरूरी है। यार लिख देगा तो कुछ चला जाएगा। नहीं सर वैसे पूछ। जमीन कम हो जाएगी लिखने से, टीचर का मोड पे डिपेंड करता है, मार्क्स काट लेंगे। ओके सर। फॉर्मूला तो फॉर्मूला ही होता है सर, 60। तो देयरफॉर ईच इंटीरियर एंगल कितना आ गया सर, 120, 2 into 60 120, एंड ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया सर, 60, x is equal to 60। अब उन्होंने क्या पूछा है, नंबर ऑफ साइड्स पूछी है, देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला सर 360 upon 60। मैं यहाँ पे ना लिख नहीं रहा फॉर्मूला, तुमने लिखना है। एक ही चीज चल रही है, देखो हमने सिक्स से जब से स्टार्ट किया, 6, 7, 8, 9 सब में एक ही चीज आ रही है ना, वही एक्सटीरियर एंगल फाइंड किया उसके बाद। अगला सम फिर से बेटा वैसे ही है, द रेशियो बिटवीन द एक्सटीरियर एंगल एंड द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1:1। अब पहले एक्सटीरियर है बाद में इंटीरियर है, तो एक्सटीरियर 1x इंटीरियर 4x, लेट एक्सटीरियर एंगल बी 1x देन इंटीरियर एंगल बी 4x। खुशागरा क्या करें, बोलो खुशागरा। भाग्य प्रगति सर, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। वेरी गुड। इंटीरियर एंगल 4x है, एक्सटीरियर एंगल 1x है, 180। 5x इज इक्वल टू 180 एंड x वी गेट 180 अपॉन 5। 5 3 15 36, x की वैल्यू आ गई। उन्होंने इंटीरियर एंगल तो पूछा ही नहीं, तो इंटीरियर फाइंड करने की जरूरत नहीं है हमें। देयरफॉर ईच एक्सटीरियर एंगल आ गया बेटा यस 36। उसके बाद नंबर ऑफ साइड्स पूछी, नंबर ऑफ साइड्स किसके इक्वल फॉर्मूला 360 अपॉन 36 ईच एक्सटीरियर एंगल दैट इज 36। क्या आ गया, 10 साइड्स आ गई। ओके Yes, sir. ये हमारा 10th सम हो गया। Now we will reach on question number 11. The sum of interior angle of a regular polygon is twice the sum of exterior angle. Sum of interior angle किसके इक्वल गिवन है, ये थोड़ा डिफरेंट हो गया।
sum of interior angle of a regular polygon is twice the sum of exterior angles. Find the number of sides of the polygon. Polygon ki sides find karni hai. Sum of interior angle kiske equal? Twice the sum of exterior angles. Kaun karvayega? Yash. Sum of interior angles ka formula, Yash? Sir, n minus 2 into 180. Sum of interior angles, 1 minute. Kiske equal? Twice. Twice ka matlab 2. Into sum of exterior angles. 1 minute. पहले जो दिया है वो तो लिख ले. सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला उसके नीचे क्या आएगा सर n माइनस 2 इनटू 180 यस एंड 2 सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स सर 2 इनटू 360 यस अब n यहां से फाइंड करना है n माइनस 2 को अपने प्लेस पे रहने दो 2 इनटू 360 को अपने प्लेस पे रहने दो 180 मल्टीप्लाई है ना कहां चला जाएगा yes. नीचे Yes, इसको कट किया 2 आ गया n माइनस 2 किसके इक्वल 2 टू द 4 n की वैल्यू क्या आ जाएगी सो 4 प्लस 2 एंड वी गेट 6 सो 6 तो नंबर ऑफ साइड्स भी 6 यही फाइंड करना था अब 12th सम बेटा ए बी बी सी एंड सी डी आर 3 कंसेक्यूटिव साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन मैंने सिर्फ इतनी की फिगर बना दी जितनी हमें बोली है ए बी बी सी एंड सी डी आर 3 कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ रेगुलर मैं रेगुलर वर्ड पे स्ट्रेस दे रहा हूं कि ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल है इसका मीनिंग एंड एंगल बी ए सी ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है कितना दिया है 20 डिग्री दिया है This angle is given 20. Find each interior angle, each exterior angle, number of sides. Yes, Aradhya, क्या करें? Regular polygon जो है, उसका each interior angle, each exterior angle and number of sides find करनी है. जो given था, वो मैंने यहाँ पे बना दिया. बता सकते हो Aradhya? वेरी गुड ये देखो एक ट्रायंगल बन गई ना ये लिखना yes. कैसे है इन ट्रायंगल एबीसी ये तीनों दोनों साइड्स इक्वल बेटा ए बी इज इक्वल टू बी सी बिकॉज रेगुलर पॉलीगन की सारी साइड्स इक्वल होती हैं अब ए बी और बी सी इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आल्सो इक्वल होते हैं एबी के सामने ये वाला एंगल बीसी के सामने ये वाला एंगल एबी के सामने एक एंगल कौन सा है बीसीए और बीसी के सामने कौन सा एंगल है बीएसी इसको बोलते हैं चाहे तो लिख दो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल चाहे लिख दो बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लिख देंगे ज्यादा बेटर है बीसीए BAC की वैल्यू कितनी 20 ये एंगल भी 20 आ गया अब इन तीनों एंगल्स का सम नाउ एंगल BAC प्लस BCA प्लस ABC इसके इक्वल 180 के रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल अब BAC हमें 20 दिया है BCA हमने 20 फाइंड किया है ABC as like is equal to 180 20 plus 20 40 Aradhya Yes sir तेरा ध्यान नहीं है आजकल पढ़ाई में No sir है नहीं है तू आंसर ही नहीं देती मेरे को सर इधर मैं मैथ्स नहीं पढ़ रही हूँ ना इसीलिए इधर मैथ नहीं पढ़ रही इधर में इधर मतलब कहाँ कहाँ पे That means, sir, आजकल मैं मैथ्स पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं भी तू कर नहीं रही सर होमवर्क मिला बॉस तो सर इसलिए मैथ्स होमवर्क कर रहे हैं हो जाएगा होमवर्क तो एक घंटा आधा घंटा निकाल नहीं सकते हर रोज अलग से सर
सर निकाल तो सकते हैं लेकिन सर निकल नहीं पा रहा है. निकाल तो सकते हैं पर निकालते नहीं है, ऐसे बोलो. यस सर. ठीक है, वेरी गुड. क्या जरूरत है पढ़ने की, मार्क्स आ जाएंगे ना. अब एबीसी क्या है बेटा, ये इंटीरियर एंगल है. तो देयरफॉर ईच इंटीरियर एंगल कितना आ गया हमारे पास, 140 आ गया. हाँ राध्या, इसके बाद एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करें. सर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल. हाँ, 180 माइनस इंटीरियर एंगल हमारे पास 140 आया है. तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया. अब नंबर ऑफ साइड्स 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल दैट इज 40. कट किया, 9 साइड्स आ गई हमारे पास. दिस इज आंसर. ये 12th सम का आंसर आ गया. अब जो नेक्स्ट है उसमें क्या है बेटा, 30 सम भी अच्छा है काफी. टू अल्टरनेट साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन व्हेन प्रोड्यूस, ये मैंने आधी फिगर बना दी. ये तीनों आपस में इक्वल है, चौथी भी बना दो चाहे, ये भी आपस में इनके इक्वल है. मुझे नहीं पता कितनी साइड का पॉलीगन है, हमने सिर्फ कंजेक्टिव साइड्स बना ली. टू अल्टरनेट साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन व्हेन प्रोड्यूस मीट एट राइट एंगल. इस साइड को प्रोड्यूस कर दिया, अल्टरनेट मतलब एक साइड छोड़ के इसको इस साइड प्रोड्यूस कर दिया. तो ये वाला एंगल है जो 90 दिया हुआ है. ये एंगल कितना दिया है, 90. ये रफ फिगर है इसलिए ये 90, वैसे 90 नहीं है बट एक्चुअल में 90. अगर थोड़ी सी फिगर कुछ किसी और मेथड से बनाते, ये सीधी ले जाते इसको ऐसे, इस फिगर को, चलो मैं फिगर भी चेंज कर देता हूं. ये फिर से वही हो जाएगा, प्लेस पंगा तो वही है. अच्छा सॉरी ये ऐसे बनेगी ना, फिगर ऐसे थी. ये साइड तीनों साइड्स इक्वल है, इसको प्रोड्यूस किया और इसको प्रोड्यूस किया, ये 90 बन गया. ठीक है, इस साइड से दिया उन्होंने. टू अल्टरनेट साइड्स, अल्टरनेट का मतलब एक साइड छोड़ के इस साइड और इस साइड को प्रोड्यूस किया, तो वो 90 पे कट करते हैं. कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है. कैसे करेंगे, देखो एक्सटीरियर एंगल भी तो इक्वल होते हैं, रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं ना. लेट ईच एक्सटीरियर एंगल बी एक्स. ईच एक्सटीरियर एंगल कितना ले लिया, एक्स ले लिया. अब इस ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम एक्स प्लस 90 इज इक्वल टू 180. दीज आर एंगल सम प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. अब x प्लस एक्स 2x, 90 उस साइड जाके माइनस हो गया, 90 आ गया. x की वैल्यू क्या आ गई, 45 आ गई. ईच एक्सटीरियर एंगल आ गया हमारे पास, यस सर. नंबर ऑफ साइड्स इसके इक्वल 360 अपॉन 45 ईच एक्सटीरियर एंगल. अब 360 ईच एक्सटीरियर एंगल 45 है, कट किया 8 आ गया. नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई, 8 साइड्स. आया समझ, यस सर. नाउ द 14th सम. हाँ जी, समझ नहीं आया बेटा सर. आ गया, आ गया. 14th सम इन ए रेगुलर पेंटागन थोड़ा गलत बन गया, चलो रेगुलर था, सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए थी. ए बी सी डी बस रेगुलर ही समझ के चलो इसको. डायगनल बी ई एंड ड्रॉ अ डायगनल बी डी, बी ई को ज्वाइन कर दिया, देन फाइंड द मेजर बी ए ई, ये एंगल फाइंड करना है. ए बी ई, ये एंगल फाइंड करना है. एंड बी ई डी, बी ई डी ये वाला एंगल फाइंड करना है. देखो बेटा ये क्या है, पेंटागन का एंगल है ना और रेगुलर है, तो इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा,
each interior. Yes, Parush? पेंटागन के एंगल्स का सम कितना होता है पौरुष? सर n माइनस टू इनटू 180 दैट इज 3 माइनस 5 माइनस 2 दैट इज 3 3 इनटू 180 540 yes, सीधा sir. लिख दूं अपॉन 5 लिख दूं बेटा यस सर क्योंकि 5 एंगल है ये पेंटागन के 5 एंगल्स होंगे ना 5 के 5 इक्वल होंगे यस सर रेगुलर है तो ये एंगल आ गया हमारे पास 108 और रेगुलर है ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ABE AB एंड AE आर इक्वल यस सर रेगुलर पॉलीगन AB के अपोजिट कौन सा एंगल ये वाला दैट इज एंगल AEB AE के अपोजिट ये वाला एंगल ये मैंने डार्क कर दिया अभी ABE रीजन सर आइसोसेलेस एंगल प्रॉपर्टी आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी ठीक है एक मिनट बेटा नाउ क्वेश्चन नंबर 17 बेटा द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ साइड ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन नंबर ऑफ साइड्स पहले पॉलीगन की अगर 3 है तो दूसरे की 4 इसकी 6 है तो दूसरे की 8 रेशियो का मीनिंग ये होता है एंड द रेशियो बिटवीन द सम ऑफ देयर इंटीरियर एंगल इज दिस इंटीरियर एंगल की रेशो क्या है 2:3 सम की फाइंड द नंबर ऑफ साइड इन ईच पॉलीगन देखो लेट नंबर ऑफ साइड्स ऑफ फर्स्ट पॉलीगन इज टू बी टेकन एज 3x देन नंबर ऑफ साइड्स ऑफ सेकेंड पॉलीगन इज 4x अब उनके इंटीरियर एंगल्स की रेशियो सम की n n की वैल्यू 3x हो गया ना 3x माइनस 1 इनटू 180 अपॉन दूसरे में 4x माइनस 1 n माइनस 2 होता है 4x माइनस 2 हो जाएगा इनटू 180 sir. ये रेशियो होगी सम sum of interior angle of first polygon upon sum of interior angle of second polygon किसके equal given है हमें that is given equal to 2:3 sir 2/3 अब 180 से 180 cancel हो जाएगा cross multiply कर दो 3 से करेंगे 9x minus 6 यहाँ 2 से जाके multiply होगा 8x minus 4 अब 9x 8x इस side आके minus हो गया माइनस फोर सिक्स इस साइड जाके प्लस हो गया एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई तो उन्होंने क्या पूछा फाइंड एक्स की वैल्यू पूछी थी उन्होंने समझ आ गया बेटा यस सर एट नहीं सॉरी एक्स की वैल्यू नहीं पूछी थी नंबर ऑफ साइड इन ईच पॉलीगन पूछा था देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स ऑफ फर्स्ट पॉलीगन भी 3x थी बेटा ये देखो 3x लेट की थी 3 इंटू 2 6 आ जाएंगी नंबर ऑफ साइड्स ऑफ सेकंड पॉलीगन 4x 4 इंटू 2 8 आ जाएंगे अब क्वेश्चन नंबर 18 देर आर 3 ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए हेक्सागन उन्होंने रेगुलर नहीं बोला सिर्फ हेक्सागन बोल दिया यहां पे मैंने हेक्सागन बना दिया ए बी सी डी ई एफ कितने कितने एंगल हैं 40 ये एंगल ए को 40 ले लो 51 एंड 86 ईच ऑफ द रिमेनिंग एक्सटीरियर एंगल इज एक्स एक्सटीरियर एंगल एक्स है अच्छा ये भी एक्सटीरियर एंगल ही थे यार जल्दबाजी में ना गड़बड़ होती है जरूरी फिगर बनाने की जरूरत नहीं है तीन एक्सटीरियर एंगल दिए हैं इंटीरियर नहीं दिए बेटा एक्सटीरियर दिए हैं 40 51 एंड 86 एंड रिमेनिंग एक्सटीरियर एंगल इक्वल हैं तो उनका सम क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा ना यहाँ पे लेट कर देंगे लेट यस सर ईच
इक्वल एंगल, इक्वल एक्सटीरियर एंगल बी एक्स किसके इक्वल होगा फतेह? सर 360, एक्सटीरियर एंगल का सम 360, एक्स फाइंड कर लोगे यहां से? यस सर। नाउ द 19 सम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, इट्स इंटीरियर एंगल इज 5 टाइम एक्सटीरियर, इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल का 5 टाइम्स है, वही सेम क्वेश्चन है पहले जैसे अपने आप करोगे ये, ठीक है? यस सर। यू हैव टू डू इट, इंटीरियर एंगल को इंटीरियर एक्सटीरियर को x ले लेंगे, इंटीरियर 5x हो जाएगा, दोनों का सम 180, एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। रेशियो बिटवीन द एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल 2x, इंटीरियर एंगल 7x हो जाएगा, दोनों का सम 180, एक्सटीरियर एंगल एक्सीड इंटीरियर एंगल बाय 60, एक्सटीरियर एंगल ग्रेटर है, एक्सीड का मतलब ग्रेटर, किससे? इंटीरियर से, कितना? 60। इंटीरियर एंगल को एक्स ले लेंगे तो एक्सटीरियर एक्स प्लस 60 हो जाएगा, ओके? अब आगे, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज थ्राइस द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये भी इस टाइप का सम भी किया है, वन ट्वाइस था या थ्राइस आ गया, थ्राइस का मतलब यू कैन डू इट, यस ना? यस ओके। अब मुझे ये बताओ एक चीज,